वेलकम बैक टू माइल्स टू एक्सप्लोर चैनल और आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे छोटे से शहर में लेके जा रहे हैं जिसका नाम है अंबरनाथ एंड वहाँ पे एक बहुत ही पुराना एंशियंट टेम्पल है जिसका नाम है अंबरनाथ के शिव मंदिर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमरेश्वर टेम्पल। तो आज मैं वहाँ पे आपका दर्शन कराने लेके जा रही हूँ। सो अंबरनाथ बेसिकली आपको हार्डली 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा मुंबई से। तो उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइमिंग से लेके और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो पे शेयर करने वाली हूँ। सो जस्ट मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। वेल आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ मुंबई के लोकल ट्रेन से जो एक बढ़िया और बेस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन है मुंबई में ट्रैवल करने के लिए। सो हमने डोंबिवली से बदलापुर की ट्रेन पकड़ी है और आप अंबरनाथ कैसे आ सकते हो, कौन से ट्रेन्स अंबरनाथ तक आते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताते जाती हूँ। Here we are in Ambernath. So this is basically Ambernath station. So Ambernath station से जैसे ही बाहर आओगे ना आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू मिलेगा। सो ये आप लैंडमार्क रख सकते हो। जैसे ही आप बाहर आओगे यहाँ पे ही आपको शेयरिंग के ऑटो मिल जाएंगे जहाँ से 20 रुपीज़ वो लोग चार्जेस लेंगे शिव मंदिर के लिए। तो मेन रोड पे ऑटो वाले आपको छोड़ देंगे। सो वहाँ पे एक बड़ा सा आपको गेट दिखेगा जहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ मंदिर करके उन्होंने लिखा रहेगा। सो वहाँ से एक 10 स्टेप की दूरी पे ही आपको ये टेंपल मिलेगा, हार्डली लाइक 2 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे ही मिलेगा। अभी तो हम लोग उतर गए और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, थोड़ा अनटाइडी लग रहा है एज ऑफ नाउ। तो अभी हम लोग पहले मंदिर का दर्शन लेते हैं एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो वी आर एंटरिंग द टेम्पल नाउ एंड टेम्पल के सामने ही आपको पूजा की थाली मिलेगी, फूल भी मिल जाएंगे, पर यहाँ पर आपको शिव जी पे मतलब शिव लिंग पर दूध आप चढ़ा नहीं सकते, यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो सिर्फ पानी चढ़ाना अलाउड है। तो सबसे पहले तो आप अंबरनाथ आ कैसे सकते हो वो मैं बता देती हूँ। आई स्टे इन डोंबिवली, मतलब वी स्टे इन डोंबिवली। सो डोंबिवली से हार्डली लाइक 20 या 30 मिनट्स के डिस्टेंस में ही हम लोग ट्रेन से यहाँ पे पहुँच गए। सो सिद्धेश का थोड़ा सा जिद था कि कार या बाइक लेके जाते, बट आज मैं जिद पे उसको ट्रेन पे लेके आई हूँ। सो ट्रेन की जर्नी वो समथिंग जहाँ पे हम लोग डोंबिवली से गाड़ी हमने पकड़ा एंड हम लोग अंबरनाथ स्टेशन में आए। सो स्टेशन से शेयरिंग ऑटो में हम लोग मंदिर आ गए। सो फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉपर मुंबई से ट्रैवल करते हो या एनी वेयर फ्रॉम इंडिया कहाँ से भी आप ट्रैवल करते हो, तो वंस यू कम टू मुंबई, सो मुंबई में सेंट्रल लाइन आपको मिलेगा। तो सेंट्रल लाइन में कल्याण हो गया, बदलापुर हो गया, अंबरनाथ का एक सेपरेट गाड़ियाँ रहती है, करजत, खोपोली, राइट, खोपोली गाड़ियाँ, वो सब आप ट्रेन्स पकड़ के आप अंबरनाथ उतर सकते हो। सो आई गेस दिस इन्फॉर्मेशन वुड बी इनफ, क्योंकि वहाँ से जैसे ही आप आ जाओगे अंबरनाथ के स्टेशन में, राइट, अंबरनाथ ईस्ट में, सो अंबरनाथ ईस्ट में ही उतर के आपको बाहर ही स्टेशन के बाहर ही आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। सो हार्डली 20 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हो, तो मंदिर के एग्जैक्टली सामने मतलब 2 मिनट के डिस्टेंस में आपको छोड़ देंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ ऐसा एज सच कुछ इशू आ सकता है ट्रैवलिंग का, ऐसा कुछ है नहीं। सो अगर ये चीज़ आप करोगे तो यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक साइट का आप आके अच्छा खासा मज़ा उठा सकते हो। अमरेश्वर मंदिर से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ हैं। कहते हैं इस मंदिर को पांडवों ने वनवास के दौरान एक दिन में बांधा था और कई लोग ये भी कहते हैं कि इस खूबसूरत से मंदिर को 1060 AD में पत्थरों से कार्व किया गया था और शायद शिलाहारा के राजा श्री चित्त राजा ने इसे बांधा। और अगर आप इस मंदिर के एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए, आई रियली वॉन्ट टू नो। सो बेसिकली मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो इट इज़ दैट टेम्पल विच इज़ कॉल्ड एज अमरेश्वर टेम्पल एंड यहाँ पे इट इज़ बीन सेड कि ये मंदिर को बांधा था 11th सेंचुरी में और वनवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर को बांधा था, ऐसा
कहा जाता है, बहुत सारे जगहों में लिखा भी है इसके बारे में। एंड इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दिस इज वन ऑफ द टेंपल, इसीलिए अंबरनाथ का स्पेशलिटी और ज़्यादा इस मंदिर के वजह से बढ़ता है। हेमाडपंती स्टाइल की आर्किटेक्चर आपको मंदिर के अंदर भी देखने मिलेगी। मंदिर के अंदर छोटी सी सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आप शिव जी के दर्शन ले सकते हो। तो जैसे आप टेंपल के ऊपर अगर देखोगे जहाँ पे फ्लैग आपको दिख रहा है, वहाँ पे ओपन स्पेस है। जैसे आप सैंक्टम के अंदर जाओगे, मतलब गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली शिव जी का जो लिंग दिखेगा उसके ऊपर आपको कोई भी रूफ नहीं दिखेगा या फिर कलश नहीं दिखेगा। सो ये भी एक स्पेशलिटी है यहाँ पे। नंदी के दो आपको मूर्तियाँ मिलेगी शिव मंदिर के ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर आपको कोई रूफ नहीं मिलेगा, ये और एक स्पेशलिटी है। महाशिवरात्रि और श्रावण सोमवार को इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ फेयर होता है, जिसे मराठी में यहाँ लोकली जत्रा कहते हैं। मंदिर सुबह 6 से रात को 9 बजे तक भक्तों के लिए ओपन रहता है। जैसे आप देख सकते हो, इस मंदिर को हेमाडपंती स्टाइल में बांधा गया था। एंड इट इज़ ऑल्सो बीन सेड कि कल्चरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मैंने आपको बताया था, इंडिया में नई बोल के 40 एज ऑफ 2022 40 कल्चरल हेरिटेज साइट्स है। एंड उन कल्चरल 40 हेरिटेज साइट्स में से अंबरनाथ का शिव मंदिर भी इज़ वन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज साइट्स। एंड इंडिया के अलावा महाराष्ट्र में कल्चरल हेरिटेज साइट्स देखने जाओगे तो 5 हेरिटेज साइट्स है। आई एम एक्चुअली नॉट श्योर कि इसको रूफ क्यों नहीं बांधा है। अगर आप लोग को कुछ पता रहेगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में मैंने आपको मुंबई लोकल में जर्नी करवाई है और अंबरनाथ के इस प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन भी कराया है। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इसी खुशी में वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, मतलब लाइक कर देना। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना।